हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेखांकन की प्रथाओं के बारे में। तो लेखांकन प्रथाओं से ही लेखांकन संबंधी परंपराओं का बोध होता है, यानी कि लेखांकन की परंपराएं क्या हैं ये हमें कैसे किससे पता चलता है, लेखांकन की प्रथाओं से। आधुनिक समय में लेखांकन प्रथाओं पर काफ़ी शोध कार्य हो चुका है, यानी कि उनमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। और तो उस हिसाब से हमारी जो लेखांकन प्रथाएँ हैं वो क्या हैं, निम्नलिखित हैं। तो पहला है हमारा पूर्ण प्रकट करने की प्रथा, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने व्यवसाय में किसी भी सौदे को पूरी तरीके से नहीं लिखते हैं, उनको अधूरे रूप में उनका लेखा करते हैं या फिर किसी चीज़ का लेखा करते ही नहीं है, तो इससे क्या है, हमारे व्यवसाय का जो लेखा करने का उद्देश्य है वो पूरी तरीके से सफल यानी कि पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमारे व्यवसाय के लेखा करने का जो उद्देश्य है उसकी सही से पूर्ति हो सके, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो भी सौदा हो रहा हो उसका लेखा हम क्या करें, पूर्ण रूप से करें। दूसरा है हमारा रूढ़िवादी प्रथा। रूढ़िवादी प्रथा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि हमारे व्यवसाय के अंतर्गत जो भी हानि होने वाली यानी कि जो भी संभावित हानि है उसे हम ये मान के चलते हैं कि वो हानि हमें अवश्य ही होगी। अगर हम ऐसा मानते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अपनी होने वाली हानि के लिए पहले से ही सचेत रहते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखते हैं। और जो व्यवसाय में संभावित होने वाले लाभ हैं, यानी कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि अगले साल या फिर कुछ वर्षों में हमें ये लाभ होने की आशंका है, तो हम उसे नज़रअंदाज करके चलते हैं, यानी कि उस लाभ को हम सत्य नहीं मानते। लेकिन अगर कोई हानि हमें लगती है ऐसी कि हाँ हो सकता है हानि होगी, तो उसे हम सत्य मान के चलते हैं। हानि को सत्य मान कर चलने से हमें जब रियल में हानि होगी तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और उसके लिए हमने पहले से व्यवस्था करके रखी होगी। और अगर हम लाभ को मान के चलते हैं सत्य और बाई चांस हमारे व्यवसाय में लाभ नहीं हो पाता है उस तरीके से, तो हो सकता है कि हमें अवश्य ही हानि हो जाए। तो इसलिए संभावित हानि को सत्य मानकर चलना, उनके लिए पहले से प्रावधान करना और संभावित लाभ को नज़रअंदाज करने को ही हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी प्रथा। संक्षेप में अगर देखा जाए तो लेखांकन की रूढ़िवादी प्रथा के अंतर्गत चिट्ठे में संपत्तियों को कम मूल्य पर तथा जो दायित्व तो होते हैं उनको अधिक मूल्य पर दिखाया जाता है। इस प्रथा का लाभ हानि खाते एवं चिट्ठे दोनों पर ही क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। थर्ड हमारा आता है प्रमुखता की प्रथा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम अपने व्यवसाय में उन्हीं सौदों का लेखा करते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जो अर्थहीन सौदे हैं या फिर जो सौदे बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बहुत छोटे मोटी घटनाएं हैं, तो उनका लेखा हम नहीं करते। अगर बहुत छोटी छोटी घटनाओं का लेखा अगर हम अपने व्यापार में करने लगेंगे तो उससे जो है कि उसे परिणाम निकालना बहुत ही जटिल हो जाएगा, हमारे लेखे क्या है समझने में बहुत ही जटिल हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमने व्यापार में एक रबर खरीदा, पेंसिल खरीदा, अगर उसकी भी हम लोग एंट्री करने लगेंगे तो हमें लाभ हानि निकालने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का लेखा किया जाता है जो कि महत्वपूर्ण हो, महत्वहीन या फिर अर्थहीन जो सौदे होते हैं उनका लेखा नहीं किया जाता। इसके बाद चौथा आता है हमारा एक रूपता की प्रथा। इस प्रथा का अर्थ यह होता है कि हमने अपने सौदे को लिखने की, सौदों का लेखा करने की जो विधि अपनाई है स्टार्टिंग से, हमें लास्ट तक उसी विधि को अपनाना चाहिए। हमेशा बार बार उसमें चेंजेस करने से हमें अपने व्यवसाय के बारे में सही सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जो भी हमने तरीका अपनाया है लेखा करने का और लेखा की अवधि निर्धारित करने का, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। बहुत ही रेयर केस में हमें उसमें थोड़े बहुत फेरबदल कर सकते हैं हम, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हमारा जो तरीका या विधि रहे वो हमेशा सेम रहे, जिससे हमें सही सही जो निष्कर्ष है वो प्राप्त हो सके। उसके बाद है लेखांकन अवधि की प्रथा, लेखांकन की अवधि प्रथा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे व्यवसाय का जीवन काल होता है वो तो हमें सही से पता नहीं होता है, तो हम एक निर्धारित अवधि निश्चित करते हैं कि जिस अवधि के पश्चात हम अपने व्यवसाय के लाभ हानि को ज्ञात करेंगे। जैसे कि अधिकतर ये अवधि एक वर्ष की होती है, लेकिन ये व्यवसाय के जो उसके व्यवसाय का उद्देश्य है उस पर निर्भर करता है कि वो अपने व्यवसाय की लेखा अवधि कितने टाइम तक रखता है। वो चाहे तो 3 महीने, चाहे तो 4 महीने, 1 साल या 2 साल, उसकी मर्जी के ऊपर, उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है कि वो उस अवधि को कितना बढ़ाना चाहते हैं या फिर कितना घटाना चाहते हैं। लेकिन जो अवधि एक बार निर्धारित की जाती है, हमेशा हमें उसी अवधि का पालन करना चाहिए। उसमें हमेशा फेरबदल करने से हमें निष्कर्ष सही तौर पर प्राप्त नहीं होंगे। छठवां है हमारा शुद्धता की प्रथा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे व्यवसाय में जो भी सौदे होते हैं उनका जो लेखा होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि या छल कपट नहीं होना चाहिए। जो भी सौदे जिस तरीके से किए गए हैं उनका लेखा जो है हमें उसी ढंग में बिल्कुल शुद्ध रूप से करना चाहिए, ताकि हमें सत्य निष्कर्ष प्राप्त हो सके। इसके बाद है मुद्रा संबंधी प्रथा। इसका मतलब है कि व्यवसाय में केवल उन्हीं सौदों का लेखा किया जाना चाहिए जिनका संबंध मुद्रा से हो, यानी कि जिनका हम लोग माप मुद्रा में कर सकें, उन्हीं सौदों का लेखा हमें अपने व्यवसाय में करना चाहिए। ऐतिहासिक लेखा प्रथा। ऐतिहासिक लेखा प्रथा का मतलब ये हुआ कि हमें केवल उन्हीं सौदों का लेखा अपने पुस्तकों में करना चाहिए जो कि सौदे हो चुके हैं। ऐसे सौदे जो कि भविष्य में होने चाहिए, होने वाले हैं, उनका लेखा हमें अपनी पुस्तकों में पहले से ही नहीं करना चाहिए। अभी तो जो सौदे या फिर जो घटनाएँ हमारे व्यापार में हो चुकी हैं, हमारे व्यवसाय में, उन्हीं सौदों का लेखा हमें करना चाहिए।
नौवां है हमारा लेखांकन समीकरण प्रथा। इस प्रथा के अनुसार जो है लेखांकन पद्धति हमेशा बीजगणितीय समीकरण पर आधारित होती है। हमारे लेखांकन में जो समीकरण प्रयोग किया जाता है वो है क्या, तो सबसे पहला है कि संपत्तियां जो होती हैं वो हमारे दायित्व प्लस लाभ प्लस पूंजी के बराबर होती हैं। हमारी जो पूंजी होती है वो हमेशा संपत्ति में से बाह्य दायित्वों को माइनस करके निकाली जाती है। हमारे जो दायित्व होते हैं वो हमारी संपत्तियों में से पूंजी को हटा करके ज्ञात किए जाते हैं, और दायित्व और लाभ का अगर हमें ज्ञान करना है तो हमें संपत्तियों और हानियों को जोड़ना पड़ेगा। तो इससे हमारा लेखांकन समीकरण तैयार हो जाता है। दसवां हमारा व्यवसाय की निरंतरता प्रथा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम यही सोच कर स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो अनंत काल तक चलता ही रहेगा, और उसे हम उसकी कोई निर्धारित तिथि नहीं ज्ञात करते हैं कि इस टाइम पर ये बिज़नेस हमारा बंद हो जाएगा। तो हमें जब भी लेखा करना चाहिए तो यही सोच के लेखा करना चाहिए कि आगे भी हमारा बिज़नेस चलता रहेगा। तो उस हिसाब से हमारे व्यवसाय में जो भी अदत्त व्यय हैं, पूर्वदत्त व्यय हैं, उपार्जित अनुपार्जित आय हैं या फिर कुछ प्रावधान हैं, तो उनका लेखा भी हमें करते हुए चलना चाहिए, जिससे कि हमें सही सही लाभ हानि ज्ञात हो सके। 11वां है हमारा कानून की मान्य प्रथा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उन्हीं प्रथाओं उन्हीं विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो कानून की नज़र में मान्य हो। हम किसी भी ऐसी विधि का प्रयोग करके अपना लेखा नहीं कर सकते जिसकी कानून के नज़र में मान्य नहीं होगा। अगर कानून उस प्रथा उस विधि को नहीं मानेगी तो हमारे लेखा करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो हमें कानून की जो प्रथा कानून द्वारा मान्य की गई है उन्हीं प्रथाओं का उन्हीं विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और इसके आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेखांकन की मान्यताएं, उनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए हमारा ओम लर्निंग क्लासेस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।